हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ पैथोलॉजी एंड डुक्राइन पैथोलॉजी हम कंटिन्यू कर रहे हैं टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाइपर फंक्शनिंग ऑफ कॉर्टेक्स सो या इसको दूसरी टर्मिनोलॉजी हाइपर एड्रीनालिज्मर का मतलब है ओवर एक्टिविटी एड्रीनालिज्म का मतलब है एड्रीनल की ओवर एक्टिविटी एंड पर्टिकुलरली हम एड्रीनल कॉटेक्स की बात करेंगे सो देर आर थ्री डिस्टिंगटिव हाइपर एड्रीनल क्लिनिकल सिंड्रोम And I must tell you, these are all uh, super important. Each of them caused by abnormal production of one or more hormones. Obviously, this is a hyper scenario, so it's going to be like one or more hormones which are super secreted not under secreted hyper secreted okay so the first clinical syndrome is the cushing syndrome which is uh, uh, characterized by secretion of excessive cortisol so c for cushing c for cortisol easy to remember then there is hyper aldosteronism obviously isme aldosterone the release mineral mineralocorticoid okay then adrenogenital or virilizing hormones and uh, this condition may, ऑब्वियसली एंड्रोजन ज्यादा रिलीज होंगे तो तीन सिंड्रोम्स आपने याद रखने कॉर्टिसोल अगर ज्यादा रिलीज हो तो कुशिंग मिनरल कॉर्डिक्वाइड ज़्यादा रिलीज़ हो तो हाइपर एल्टोस्टोरानिजम और इसके बारे में भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी फोकसिंग पर्टिकुलरली ऑन कुशिंग सिंड्रोम सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन ऑन कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम तो इसका टेक्निकल uh, मेडिकल अच्छा वाला नाम है बट इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाइपर कार्टिसोलिज्म इस तरह आपको याद रहेगा कि क्या चीज़ ज्यादा रिलीज़ हो रही है कॉर्डिसोल सो हाइपर मीन्स ज्यादा और कॉर्टिसोलिज्म मतलब कार्यादा रिलीज़ हो रहा है और कॉर्डिसोल की ओवर एक्सप्रेशन को हम या

एड्रीनल ग्लैंड के कौन से कॉटेक्ट के जोन से निकलता है सो आई एम नॉट डिटेलिंग आई एम आ ज्यूमिंग दैट यू हैव बीन थ्रू दो अगर नहीं तो वो वीडियोज पहले देख लो मैंने पूरी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी, एड्रीनल ग्लैंड या पूरी एंडोक्राइन सिस्टम की अपलोड कर रखी है तो वो वीडियोस ढूंढ के देख लो और फिर यहाँ हो तो बात समझ में आएगी इन क्लिनिकल प्रैक्टिस द वास्ट मेजोरिटी ऑफ कुशिंग सिंड्रोम आर द रिजल्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्सॉजिनस ग्लूकोकॉटिकोट मेजोरिटी ऑफ केसेज में ये होता है कि जो पेशेंट है ये किसी और डिजीज़ का ट्रीटमेंट ले रहा होता है और ट्रीटमेंट में प्रिस्क्रिप्शन होती है कॉर्टिसोल की कि भाई आपको डॉक्टर बोल रहा है खाओ ये अब वो खाने से अक्सर लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल डिस्टर्ब होते हैं बढ़ जाते हैं क्योंकि आप एग्जोजनसली ले रहे हो ना यू आर टेकिंग इट इन योर यू नो प्रिस्क्रिप्शन तो चूंकि आप एग्जोजनस ग्लूकोकॉड्योवर्स ले रहे हैं सो कुशिंग सिंड्रोम रिजल्ट हो जाता है राइट द रिमेनिंग कॉजेज कैन बी इंडोजिनस तो ये वाला जो अभी मैंने आपसे केस डिस्कस किया दैट इज प्राइमरिली exogenous cause of um, uh, cushing syndrome because you are taking the drug exogenously endogenously it can be divided into primary hypothalamic pituitary disease associated with hypersecretion of acth if acth is released really more it will go to the adrenal gland and then the result will be over secretion of cortisol from the adrenal gland द अदर कंडीशन कैन बी सिक्रीशन ऑफ एक्सटॉपिक ए सी टी एच बाई नॉन फिचूट्रीनियोप्लाजम यानी किसी और जगह बॉडी में एक ट्यूमर है और उस ट्यूमर से क्या रिलीज़ हो रहा है ए सी टी एच रिलीज़ हो रहा है ये ए सी टी एच भी ज़ाहिर फिर कॉटिसोल पर जाएगा एक्शन करने के लिए रिनल एड्रीनल कॉर्टेक्स पे जाएगा और वहाँ से ज़्यादा कार्टिसोल निकलेगा एंड अदर सीनैरियो कैन भी प्राइमरी एड्रीनोकॉल्टल न्यूप्लाजम यानी अर्ब किडनी के ऊपर जो एड्रीनल ग्लैंड है उसके कार्टस में एक ट्यूमर बन गया तीन आपको चीजें देखो ये बिल्कुल क्लियर समझनी है ये सिस्टम आपको पता है ना कि यू हैव किडनीज और किडनीज के ऊपर यू हैव एड्रीनल ग्लैंड और हाइपोथेमिक एक्सेस से देयर खाम्स एच और ये ए जो है आके एड्रीनल ग्लैंड को बोलेगा भाई तू निकाल निकालसोल सही है अब अगर ऊपर से यानी हाइपोथलमिक एक्सेस से एसीटीएच ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो ज्यादा कार्टेसॉल होगा अगर कहीं और बॉडी में एसीटीएच रिलीज हो रहा है तो वो भी आकर के ज़्यादा कॉर्टेसॉल रिलीज करवाएगा या अगर एडिनल ग्लैंड में ट्यूमर हो गया तो उस ट्यूमर की वजह से भी ज़्यादा ज्यादा कार्टेसोल रिलीज होगा बिकॉज ट्यूमर सेल्स प्रोड्यूस यू नो केमिकल्स इन लार्ज अमाउंट्स नाउ इफ इट्स अ फंक्शनल ट्यूमर सो ये तीन आपको सैनारीोज बिल्कुल क्लियरली पता होने चाहिए ओके अब वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं So primary hypothalamic pituitary disease associated with increased secretion of ACTH will um, you know, obviously नो ऑबसली अब ये हमने बात समझ ली है कि इट विल प्रोड्यूस मोर कॉर्टिसोल ना दिस कंडीशन इज नोन एज कुशिंग डिजीज़ तो अगर कॉर्टिसोल के लेवल्स यू नो हाइपोथैलमिक एक्सेस की, um, you know, की वजह से बढ़ा हुआ ए है और कॉर्डिसोल के लेवल बढ़ रहे हैं तो इसको हम कुशिंग डिजीज़ का नाम देते हैं ओके okay? right, simple, or some it accounts for approximately 70% of the cases of spontaneous cushing syndrome. the prevalence of this disorder is about four times higher in young uh, in women uh, as compared to the men. women, uh, okay? and it contrasts uh, most frequently during the young adulthood, uh, that is in 20s and 30s. in the vast majority of cases, pituitary gland contains acth-producing microadenoma. दैट डज नॉट प्रोड्यूज मैस इफेक्ट इन द ब्रेन इतना छोटा होता है कि ब्रेन में कोई सिम्टम नहीं होता लेकिन उससे ए सी टी एच बहुत ज्यादा बन रहा होता है इन सम केसिस देर इज माइक्रोडिनोमा एंड रेयरली एंटीरियर पिचुटरी रिमीज द एरिया ऑफ कॉर्टिकल सो इफ वी लुक एट द डायम फॉर एग्जाम्पल लेट्स सो दिस इज दिच्युटरी काजिंग सिंड्रोम कुशिंग This is your higher, uh, you know, center, jaha se ACTH release aura, and it's coming to the adrenal gland, and you are getting cortisol. So, if there is a tumor here, it will produce more ACTH. As a result, more cortisol will be released. So, this is known as uh, Cushing disease. Okay, simple concept. Um, now, corticotroph cell hyperplasia may be primary or much less commonly secondary due to increased ACTH release. Obviously, it's not the ACTH release or rather there will be adrenal hyperplasia. These cells will be working more because they all work under the influence of ACTH. Okay. The adrenal glands in patients with Cushing disease show variable degree of bilateral nodular corticular hyperplasia. And uh, now you understand why this happens because there is more ACTH, there is more ACTH, and there will be uh, more hyperplasia. राइट right? किसी भी वजह से अगर पिचुट्री uh, से इफ ए सी टी एच लेवल्स आर हाई दे विल कॉज एड्रीनल हाइप्रोप्लेजिया बिकॉज ए सी टी एच इज गोइंग टू वर्क ऑन एड्रीनल ग्लैंड सिमिलरली इस सिनेरियो में अगर आप देखें सो so यहाँ पर ए सी टी एच रिलीज हो रहा है लेकिन नॉट फ्रॉम द पिचुट्री इट्स कमिंग फ्रॉम द लंग ट्यूमर लंग कैंसर सो देर इज एन एक्टिक साइट ऑफ ए सी टी एच प्रोडक्शन लेकिन ये ए सी टी एच जाके काम तो एड्रीनल पर ही करेगा ना विल स्टिल भी एड्रीनल एंड मोर Right. So this is the second cause. The first cause, which we discussed, that was uh, you know um, high ACTH from uh, hypothalamus-pituitary axis. In the second scenario, there is more ACTH, but that's coming from non-pituitary areas such as lung cancer. The same story remains the same. Whole story is actually the same. The difference here is Cushing disease, say, okay. now the ACTH is not coming from higher centers. It is coming from another site of the body other than pituitary hypothalamus such as from the lung cancer and then we have the third category which is the primary adrenal neoplasms now such as adrenal adenoma or carcinoma if there is something wrong within the adrenal gland so this is the adrenal gland or adrenal gland the tumour so either there is a nodular hyperplasia or a cancer it will produce more cortisol and uh, this is what we call adrenal cushing syndrome Okay. So there is a pituitary cause. Okay, pituitary ACTH is zyada And now we have an adrenal cause. Okay. Adrenal gland we must lie. The cells are, you know, they are either malignant or they are hyperproliferative. They are producing more cortisol. Simple, simple story. Right. Alright, now if you talk about clinical features, the signs and so what is the problem? The problem is increased cortisol. So any function which is being done by cortisol. वो ज़ाहिर इन्हैस हो जाएगा सो साइन इन सिम्टम ऑफ कुशिंग सिंड्रोम रिप्रेजेंट एन एग्जेजरेशन ऑफ नोन एक्शन ऑफ ग्लूकोकारिकॉइड्सो कॉटिसोल एस ग्लूकोकार्टिकोड जो भी काम ग्लूकोकार्टिकॉइड्स कर रहे हैं अब वो एग्जुरेटेड होंगे कुशिंग सिंड्रोम यूजअली डेवलप ग्रेजुअली एंड लाइक मेनी अदर एंडोक्राइन एंड्रोमैलिटीज मे बी क्वाइट सफ्ट इन द इनिशियल फेजिज पता भी नहीं चलता शुरू में अ मेजर एक्सेप्शन टू दिस विल बी कुशिंग सिंड्रोम एसोसिएटेड विद लंग कैंसर बिकॉज हेयर द पेशेंट विल हैव रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम एंड यू विल हैव एन आइडिया कि अच्छा भाई कुशिंग के सिम्टम्स और साइंस भी हैं और साथ में लंग प्रॉब्लम भी है सो यू हैव एन आइडिया कि ए सी टी एच रिलीज ओके अर्ली मैनिफेस्टेशन ऑफ कुशिंग सिंड्रोम इंक्लूड हाइपर टेंशन इट्स अ नोन इफेक्ट ऑफ ग्लूकोकार्ट एंड वेट कैन glucocorticoid with time more characteristics centripetal distribution of adipose tissue become apparent with resultant trunkal obesity moon faces buffalo hump hypercortisolism causes selective atrophy of fast twitch myofibers so all these hypertension weight gain uh, buffalo hump all these things start becoming very apparent ग्लूकोकार्टिकोआइड इंड्यूस ग्लूकोनियोजनेसेस मोर ग्लूकोज सो द पर्सन बिकम हाइपर ग्लाइसियम एंड ऑल्सो समटाइम्स डायबेरिक और ये जो इतना ज्यादा ग्लूकोज बॉडी में बढ़ जाएगा इट कम्स आउट ऑफ द यूरन सो ग्लाइकोज यूरिया पॉलिडिप्सिया प्याज ज्यादा लगेगी सो दीज आर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंक्रीज ग्लूकोकार्टिकोइड दस द स्किन इस थेन फ्रेजाइल एंड ईजीली ब्रूज्ड, देर आर कुटेनिस स्ट्राया बिकॉज स्किन स्ट्रेच होती है बिकॉज ऑफ वो सो जो फाइबर्स हैं कोलेजन फाइबर्स एंड आल्सो द इंट्रेंजिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन बिकम्स डिस्टर्ब इचिंग होती है खारिश होती है और ऐसे स्ट्राया पड़ जाते हैं बॉडी पर ठीक है जी बोन्स पे इसका इफेक्ट ये होता है कि देर इज इंक्रीज ऑस्ट्रियोपोरोसिस फ्रैक्चर वगैरह की चीज़ें तो देखें जो भी ग्लूकोकॉडिकोआइड के फंक्शंस हैं अब वो इन्हेंस हो गए Additional manifestations include hirsuitism, another effect of cortisol, menstrual abnormalities in female um, as well as psychiatric symptoms including mood swings and depression and psychosis. Extra adrenal cushing syndrome caused by pituitary or ectopic, i.e. Yani lung cancer, key example we discussed, it is usually also associated with increased skin pigmentation because ACTH इज़ वेरी मच एसोसिएटेड विद प्रक्रस मॉलिक्यूल्स ऑफ कलरिंग मेलेनोसाइट फिजियोलॉजी अगर नहीं पड़ी हुई तो अब यहाँ आपको मसला आएगा यू शुड नो दैट ए सी चीज सिक्रिशन इज यूजअली ऑल्सो एसोसिएटेड विद एनदर कैमिकल विच इज़ नोन एज मेलेनोसाइट इस टू मलेरियंग हार्मोन एक्टिविटी तो ए सी टी जितना बढ़ेगा उतना स्किन पिगमेंटेशन भी बढ़ेगी ओके okay? सो इफ़ यू सी सम्बरी यू नो जो 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 कहता है कि ओवर द पीरियड ऑफ सो मेनी ईयर्स मेरी यहाँ पिगमेंटेशन हो रही है वहाँ पिगमेंटेशन हो रही है बॉडी में सो यू विल हैव एन आइडिया के इसकी बॉडी में ऑब्वियसली मेलोनोसाइज स्टमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा अमाउंट में है एंड इफ दिस इज इंक्रीज इन अमाउंट्स ऑब्वियसली दिस विल भी इन योर हैड के ए सी टी एच के लेवल्स भी बढ़े अब जब ए सी टी एच के लेवल बढ़ें तो यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर द कॉस की इज इट कमिंग फ्राम दाइपथल पिछुट्री एक्सेस और इज इट कमिंग फ्राम एनेक्टोपिकाइड सच इज लंग कैंसर In pituitary and ectopic Cushing syndrome, pituitary, yane, pituitary se ACTH bada hua hai, ectopic yani say ACTH bada hua hai, obviously ACTH levels will be elevated. And the urine is characterized by high levels of excreted corticosteroids, so it will be secreted in urine. Easy stuff. In contrast, ACTH levels are low in Cushing syndrome because of adrenal tumor. That's an important point because if you go back and see the diagrams here. ये चार डायग्राम बड़े इंपॉर्टेंट है एक्चुअली तो अगर आप इस फर्स्ट डायग्राम को देखते हैं दिस वन हेयर, दिस इज दिच्योट्री इन दाइपथल एरिया एंड यहां पैथोलॉजी ये यह है कि इंक्रीज ए सी टी एच इज बिकॉज ऑफ दिचोट्रीटमा

pituitary is uh, in cushing syndrome shows changes uh, that vary with different causes. the most common alteration resulting in the high level of endogenous or exogenous glucocorticoid is termed as line change. in this condition, the normal granular basophilic cytoplasm of ACTs producing cells in the anterior pituitary is changed and is um, uh, obviously replaced by homogeneous, EA subna, important to be honest, this alteration is the result of accumulation of intermediate keratin filaments in the cytoplasm, autopsy findings.

कॉर्टिसोल टैबलेट्स वो आपकी बॉडी में जाकर कॉर्टिसोल का लेवल तो बढ़ा देंगे लेकिन आपके जो ब्रेन से ए निकलना था नॉट ब्रेन एग्जैक्टली पिछोट्री है वहाँ से जो ए निकलना था वो सप्रेस हो जाएगा बिकॉज ऑफ नेगेटिव फीडबैक बिकॉज यू आर टेकिंग इट एक्जोजीनियसली इजी स्टाफ डिफ्यूज हाइप्रब्लेजियाज फाउंड इन पेशेंट हु हैव ए सी टी एच डिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम यानी इस कंडीशन में भी हेयर वी हैव मोर एसीटीएच और इस कंडीशन में भी हेयर वी हैव मोर एसीटीएच देयर विल बी हाइपर ऑफ द एड्रनल ग्लैंड तो ये आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली पता होना चाहिए राइट इन प्राइमरी कॉर्टिकल्स सो दैट इज देन नॉट इम्पॉर्टेंट कार्सिनोम और एडिनोम ऑफ द एडिनोल ग्लैंड ऑब्वियसली इसमें देर विल फीचर्स ऑफ एडिनोम इन कार्सिनोम बिकॉज दिस इज वॉल इट इज सो नो बिग डील आई थिंक दिस शुड बी नाउ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल अबाउट कुशिंग स्ट्राया की जो बात कर रहा था ना देखिए इस तरह का देयर इज मून फेस इज सेंट्रल ओबेसिटी स्किन में आप देख रहे हैं देयर आर स्ट्राया बिकॉज ऑफ ए स्ट्रैचिंग ऑफ द स्किन all right so now you know what are the different pathologies uh, associated with adrenal cortex teen this chapter. there will be issues associated with cortisol and if we are talking about issues associated with cortisol we talk about cushing syndrome so cushing syndrome is done uh, in the next video we'll talk about hyperaldosteronism till then take care of yourself my name is professor asif Qureshi and you are watching dr asif lectures